भा विधानसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा अपना बसपा का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं। बसपा से पूर्व विधायक रहे मधुसूदन शर्मा भा प्रत्याशी होने के दौरान जिला अध्यक्ष का पद संभाल रहे थे, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें भा से प्रत्याशी घोषित किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के मौजूदा प्रत्याशी व पूर्व जिला अध्यक्ष अभी भी बसपा का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं, या कहें कि वह अपने पुराने रिश्तों में अभी भी बंधे हुए हैं। मधुसूदन शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह बसपा प्रत्याशी के लिए मतदान करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। 17 सेकंड के इस वीडियो में मधुसूदन शर्मा एक जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि 10 फरवरी को होने वाले चुनाव में अपना मत का प्रयोग करते हुए हाथी का बटन दबाएं और अपने चित प्रत्याशी को विजयी बनाएं। हालांकि इस सभा में मौजूद कुछ लोग उनको रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो वीडियो में साफ देखा जा सकता है। प्रोग्राम लगे हैं, आपसे अपील और विनती अनुरोध करने आया हूं कि आप लोग 10 तारीख को होने वाले चुनाव में एक एक वोट हाथी के बटन पर दबाएंगे, तीजे बटन पर दबाएंगे, तीजे बटन पर दबाएंगे।